दिल्ली दंगों के सच को सामने रखने वाली किताब पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल किताब की लॉन्चिंग ऑनलाइन हुई थी और इस लॉन्चिंग में लेखकों के अतिरिक्त बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र यादव और दिल्ली में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा इन्वाइट किए गए थे, लेकिन कपिल मिश्रा के बुलाने से सोशल मीडिया पर जमकर बवाल उठ खड़ा हुआ है। कई लोगों ने प्रकाशक को टैग करके बुक रिलीज न करने की मांग की, जिसके बाहर प्रकाशक ब्लूम्सबरी इंडिया ने दिल्ली रायड 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की इस किताब को छापने से इनकार कर दिया। इस किताब की लेखिका सोनल चितलकर, प्रेमा मल्होत्रा और मोनिका अरोड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर देश में अभिव्यक्ति की आजादी है तो किसी विषय पर लिखी किताब को बैन करना कहां तक सही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगों को किताब प्रकाशित न होने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि एक किताब से डर गए अभिव्यक्ति की आजादी के फर्जी ठेकेदार, ये किताब छप ना जाए, ये किताब कोई पढ़ ना ले, तुम्हारा ये किताब की जीत है, तुम्हारा ये डर हमारे सच्चाई की जीत है। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने भी किताब पर बैन की आलोचना की है। अनुराग ने कहा है कि किताब पर बैन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, क्योंकि किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाना समस्या का समाधान नहीं है। अनुराग ने आगे लिखा है कि ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी फिल्म पर बैन लगा दिया जाए जो किसी को पसंद ना आई हो। विवाद इस वजह से और भी बड़ा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसी प्रकाशक ने शाहीन बाग प्रदर्शन पर लिखी किताब को ना सिर्फ छापा था बल्कि जमकर प्रमोट भी किया था। अब लोग दोनों ही किताबों की तस्वीर डालकर अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर दो तरफा रवैये पर प्रकाशक को घेर रहे हैं। इसी बीच लेखकों ने प्रकाशक को कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। गौरतलब है कि नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हुए थे।